सुबेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन मेरे छात्र जीवन में एक समय ऐसा अंधकार आ गया और मैं कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हो गया और BHU बनारस के हॉस्पिटल में एडमिट था। इलाज के दौरान एक समय ऐसा आया कि डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और मेरी सेहत में, मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरा संपूर्ण शरीर दुर्बल हो गया था और जितना वजन अब है मेरा उसका 1/4 हो गया था। मेरे सारे बाल झड़ गए थे और मेरे शरीर पर एक भी बाल नहीं था और मेरे अंदर बैठने की शक्ति नहीं थी और ट्रीटमेंट जारी था। लेकिन उसी बीच में डॉक्टर्स ने एक दिन ये डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई सुधार नहीं हो सकता। उसी बीच में एक हॉस्पिटल की सिस्टर थी, सिस्टर कौशल्या पंडित, उन्होंने भाई के बारे में हम लोगों को बताया और कहा कि वो प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। एक दिन का समय आया, भाई मेरे घर आए संध्या के समय और इन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और ये मेरे से दूर बैठे हुए थे और उसी बेड पर मैं बैठा था और ये दूर सोफे पर बैठे थे। इन्होंने दूर से ही प्रार्थना करने से पहले एक गीत गाना आरंभ किया और जैसे ही गीत इन्होंने शुरू किया मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगा। और 1 जनवरी 2002 की बात है, भीषण ठंड का समय था, 6-7 दिन से कोहरा छाया हुआ था, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इनके गीत गाते गाते मेरा शरीर पूरा पसीने से भीग गया और शरीर का हर एक टिश्यूज, एक एक ऑर्गन ऐसा लगा कि अंदर से कंपन हो रही है। और इन्होंने दूर से प्रार्थना की और ये चले गए। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि ये सारी आशीषें भाई रंजीत कुमार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनकी प्रार्थनाओं से मुझे चंगाई मिली है और ये चंगाई यीशु मसीह ने दी है। और मैं कभी कैंसर से पीड़ित था, लेकिन मैं कैंसर से अब चंगा हूँ। आप सभी दर्शकों को, विश्वासियों को, परमेश्वर के सेवकों को मैं शालोम कहना चाहता हूं। और आप देखते हैं कि ये शालोम शब्द जो है अब मेरे फ़ोन कॉल पर भी आ गया है। जब यीशु मसीह ने शालोम कहा तो शांति आ गई। मेरे हृदय की प्रार्थना है कि आपके घरों में परमेश्वर की अनंत शांति जो कल्पना से परे है आपको मिले। शालोम कहने से हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आने लगती है। जब यीशु बंद कमरे में चेलों के पास गया, वे निराश थे, उदास हो गए थे, उनका विश्वास पूरी तरीके से चला गया था, लेकिन यीशु ने उन्हें शालोम कह करके संबोधित किया। मैं तो आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप भी अपने घरों में जब सवेरे एक दूसरे से मिलते हैं, पत्नी हस्बैंड से मिलती है, बच्चों से मिलते हैं, शालोम कहना आरम्भ करें और आप देखेंगे कि आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी। बहुत से लोग इसका एहसास करने लगे हैं, अनुभव करने लगे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं।
मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपके बहुत सारे मनी ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे कार्यालय में पहुँच रही हैं, चिट्ठियाँ पहुँच रही हैं और नए नए पार्टनर्स हमारे कार्यक्रम में हमारी सेवकाई से जुड़ते जा रहे हैं। हम हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। आप मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस कार्यक्रम का खास उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक, छुटकारे का आनंद और उद्धार। आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये नहीं है कि आप चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये है कि आप उद्धार पाएं। जकई के घर में यीशु गया और बात करते करते जब जकई ने पश्चाताप किया, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। यदि आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप में से बहुत सारे लोग अनंत जीवन को पा रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे अनंत जीवन को पाना ज़रूरी है। हमारे साथ मिलकर के इस प्रसारण में आज आप 4 walls of protection के बारे में सुनने जा रहे हैं। 4 walls of protection का मतलब होता है कि वो शहर पना, वो 4 बातें जिनसे आपको सुरक्षा मिलती है। भजन संहिता 91 प्रत्येक क्रिश्चियन को मालूम है। बहुत सारे लोग इसको सोने से पहले बोलते हैं और कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि जब उन्हें डर लगने लगता है, जब वो दहशत में आते हैं, जब वो घबराने लगते हैं, जब वो नर्वस होने लगते हैं तो वे भजन संहिता 91 को बाइबल खोल करके पढ़ते हैं। लेकिन आज ये 4 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आपके जीवन में ईश्वरीय सुरक्षा आएगी, डिवाइन प्रोटेक्शन। मेरे साथ कहिए कि डिवाइन प्रोटेक्शन मेरे लिए है, ईश्वरीय सुरक्षा मेरे लिए है। तो मैं इसे पढ़ूंगा आपके लिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। ध्यान दें, महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, शरण पाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, छिपा रहेगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। आज मैं आपको बताऊंगा ढाल के बारे में कि ढाल क्या होती है और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजड़ता है। 7वां पद, तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। एक बड़ी सेना शैतान की, दुष्ट आत्माओं की, अटैक की। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। डेविल कैन नॉट टच यू। परंतु तू अपनी दृष्टि से, आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, धाम, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख। ध्यान दें मेरे मित्रों, कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो का मतलब होता है वो हर विश्वासी जो यीशु मसीह में है, जिसने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, जिसका उद्धार हो गया है, जो धर्मी जन बन गया है, जो का मतलब यह होता है whosoever, जो भी। आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी लोग इस भजन संहिता को बहुत प्यार करते थे और प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं। दाऊद ने जब ये भजन लिखा तो वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी सुरक्षा की गारंटी केवल परमेश्वर यहोवा है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में हमारे चारों तरफ, हमारे नगरों में, हमारे देश में, पूरे विश्व में हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं आप सुरक्षित नहीं हैं, जब आप यात्राएं कर रहे हैं आप सुरक्षित नहीं हैं, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कब क्या हो जाएगा आपको नहीं मालूम। लेकिन एक बात है, यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सुरक्षित हैं। यहां लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। छाया का मतलब होता है उपस्थिति, प्रेजेंस। प्रेजेंस इज द गारंटी फॉर योर प्रोटेक्शन। जब आप प्रार्थना में आते हैं, यीशु के चरणों में आते हैं, मरियम से यीशु ने कहा तुझसे ये भाग छीना ना जाएगा। मेरे मित्रों, जब आप यीशु के चरणों में आते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाते हैं, हाँ एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी दर्शकों को, उस समय तक आपकी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति को पा नहीं लेते। मैं तो प्रेजेंस ऑफ गॉड का इंतज़ार करता हूँ। शुरू शुरू में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, यदि मैं किसी नए होटल में चला गया हूँ या किसी नए नगर में चला गया हूँ, उस होटल में घुसते ही सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं मोबाइल का गाना खोल देता हूँ और अपनी आँखों को बंद करता हूँ ताकि उस कमरे में प्रेजेंस ऑफ गॉड हो जाए। आई लव गॉड्स प्रेजेंस। क्या आपके घर में प्रेजेंस है? क्या आपने पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाया है? क्या आप यीशु के संबंध से जुड़े हुए हैं? तो अब जल्दी से मैं आपको चार वो बातें बताऊंगा जिससे सुरक्षा मिलती है। पहली बात, उसका वचन। यहां लिखा हुआ है वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और आगे लिखा हुआ है चौथे पद में वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 17 पद। यहां लिखा हुआ है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन जो है वो सत्य है। आपकी सुरक्षा परमेश्वर के वचन से है। यहां पंखों का मतलब होता है वचन की आड़ में आ जाना, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। ऊपर के पद में लिखा हुआ है कि वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा
और महामारी से भी बचाएगा। जब हम वचन को बोलते हैं, एक वचन आपको देना चाहता हूं, जो जितने हथियार हमारे लिए तुम्हारे लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, नो वेपन ऑफ द एनिमी विल प्रॉस्पर अगेंस्ट यू। शत्रु ने जितने भी हथियार बनाए हैं, जितने भी जाल बिछाए हैं, आपने देखा वहां लिखा हुआ है बहेलिए के जाल से, महामारी से, शैतान की कोई स्ट्रेटजी, कोई कॉन्सीप्रेसी, कोई रणनीति, कोई युक्ति, सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है कि वो मुझे सुरक्षा देगा, इसलिए मुझे सुरक्षा मिलेगी। आई हैव ए गारंटी दैट आई एम प्रोटेक्टेड बाय द वर्ड। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमारे साथ की है, मैं बार बार अपने लिए कहता रहता हूं, मैं जहां जहां जाऊंगा मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे संग रहेगा। प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, जितने हथियार आपके लिए बनाए गए हैं, शायद हर सुबह आपको एक टेंशन होता है, मालूम नहीं मैं सुरक्षित हूं या नहीं, मालूम नहीं मेरे साथ आज क्या हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू करें और बोले, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ और कोई भी शत्रु मेरे जीवन में कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता। उसके नीचे लिखा हुआ है चौथे पद में, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। इफिसियों के पत्र उसके छठवें अध्याय में हथियारों का वर्णन है कि कैसे हमें परमेश्वर के हथियारों को पहन लेना है। संक्षेप में कहना चाहूँगा, जब आप यीशु की धार्मिकता को पहन लेते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से ढक जाते हैं, कोई आपको नहीं छू सकता, आप सुरक्षित हैं। एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा आपके लिए। एक बार पास्टर जॉन हागी जो अमेरिका में हैं, उनको एक व्यक्ति बंदूक लेकर के मारने आ गया और उसने गोलियां भी चलाईं। उस समय वो चर्च में प्रचार कर रहे थे, 7 गोलियां उनके ऊपर चलाईं एकदम आमने सामने, एक भी गोली पास्टर जॉन हैगी को नहीं लगी। अद्भुत है ये। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे के प्रसारण में कि दूतों की सुरक्षा हमारे जीवन में कैसे प्राप्त होती है। एक गोली भी परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक को नहीं लगी। आप सोचिए दानियल के बारे में, सारे लोगों को जो आग में डाल दिया गया, डालने वालों को आग की लपटों ने छू लिया, लेकिन जो आग में डाले गए थे उनको नहीं छू पाया। परमेश्वर की सुरक्षा जेट सुरक्षा से भी बड़ी है। हालेलुया। यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। अब मैं यीशु के लहू की चर्चा करना चाहता हूं। आगे पढ़ूंगा मैं, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ध्यान दें शब्दों पर, रात के भय से, तीर से। शायद कोई है जो शायद रात को आपको अपने कमरे में कुछ अजीब सा लगता है, आपको डर लगने लगता है। एक लड़की मुझसे कहने लगी, रंजीत अंकल मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। एक और बहन ने मुझे बताया एक मीटिंग में कि पूरी रात, अभी कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान गया था, एक परिवार से मैं मिला और वो सारा परिवार पूरी रात आँख खुली रहती थी और सो नहीं पाते थे। एक अजीब सा डर उनके घर में समाया हुआ था, सब डरे से, अशांति में, तनाव में, और उसके कारण वो आपस में क्रोध भी कर लेते थे, लड़ भी लेते थे। मैंने उनको कहा, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। मैं 2 बार उनके घर में गया, मैंने प्रार्थनाएं की और प्रार्थना करने के बाद उन लोगों को चंगाई मिली, छुटकारा मिला, और दूसरे दिन से वे आराम से सोने लगे। रात का भय
कभी कभी तो लोगों को दिन में भी रात नजर आती है, उनका हृदय धड़कने लगता है, कुछ लोगों को डर के कारण उनका हार्ट पल्पलेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपसे कहना चाहता हूं आज, यीशु मसीह के नाम में डर की आत्मा आपके घर से निकल जाए। और यदि किसी ने जादू टोने का आक्रमण किया है आप पर, तो मैं परमेश्वर का जन इसी प्रसारण में आपसे कहता हूं, विचक्राफ्ट बी ब्रोकन इन जीसस माइटी नेम। कोई जादू टोना आपको नहीं मार सकता, कोई मरी आपको नहीं मार सकती, कोई तीर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, तीर चलते हैं माइंड पर, तीर चलते हैं। एक स्टूडेंट थी और वो मेरे पास प्रार्थना सभा के दौरान मीटिंग के बाद मुझसे मिली और कहने लगी, रंजीत अंकल मैं सब कुछ पढ़ के जाती हूँ, लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन के हॉल में जाती हूँ और पेपर जब मुझे मिलता है, मालूम नहीं मेरी उंगलियों को क्या हो जाता है, मेरी उंगलियाँ कांपने लगती हैं और मैं पेपर लिख नहीं पाती हूँ और रोते रोते हॉल से बाहर आ जाती हूँ। मैंने कहा, जानती हो तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम टॉपर हो? बोली, हाँ मैं टॉपर थी लेकिन अब टॉपर नहीं हूँ, क्योंकि मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, जब लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख नहीं सकती हूँ, मुझे कंपन होने लगता है। शायद आप में से बहुत से मैं बातें कर रहा हूँ और आपके बच्चों की कहानी, आपके बच्चों की समस्याओं को मैं बयान कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। कोई है जो आपके भविष्य को उजाड़ देना चाहता है? कोई है जो आपके धन को छीन लेना चाहता है? उजाड़ने का बहुत बड़ा मतलब है यहाँ पर, हम कई तरीके से उजाड़ते हैं। कई लोग मुझे घर के बारे में लिखते हैं, घर के बारे में फोन करते हैं, कहते हैं इस घर में थोड़े ही दिन हुए हम आए, हमसे घर ये खाली कराया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम इस घर में रह नहीं पा रहे हैं, इतनी उलझन होती है इस घर में, हम जो भी पैसा लाते हैं न जाने कहाँ उड़ जाता है। मैंने कहा, इस घर में जब यीशु आएगा, जब परमेश्वर की सामर्थ आएगी, जब यीशु का लहू आएगा, क्या आपने यीशु का लहू अपने घर की चौखट पर लगाया है? आपको याद दिलाना चाहता हूँ निर्गमन का वो वर्णन, 12वां अध्याय 13 पद, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, ब्लड शैल बी द साइन, अर्थात उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। क्या आपके घर पर लहू लगा हुआ है? क्या आपका फ्लैट, क्या आपका मकान, क्या आपकी जमीन, क्या आपके बच्चों का फ्यूचर, क्या आपके बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट को आपने यीशु के लहू में छिपाया है? ब्लड सुरक्षा देता है, महामारी से बचाता है। शायद आपके नगर में कोई महामारी आ गई है या कोई बीमारी फैल रही है, या आपके मोहल्ले में कुछ ऐसा हो रहा है, इन्फेक्शन आ रहे हैं, कुछ भी हो जाए, मेरा यीशु मेरी गारंटी है और उसका लहू हमें हर प्रकार की बीमारियों से, महारोगों से, हर प्रकार के शैतान की युक्तियों से बचाता है। स्टैंड इन द ब्लड। आप देख रहे हैं आजकल क्या क्या हो रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, सांप्रदायिकता फैल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी हो जाए, बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, प्रचंड बीमारियां ही क्यों ना आ जाएं, आपके खिलाफ कोई बड़ा युद्ध ही क्यों ना छेड़ दिया जाए, आप किसी कोर्ट केस में ही क्यों ना फंस जाएं, ऑफिस के किसी समस्या में आपको क्यों ना डाल दिया जाए, मेरे पास एक अच्छी खबर है, आप यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं। यीशु का लहू
एक सील के समान है। यू आर अंडर द सील ऑफ द ब्लीविंग ब्लड ऑफ जीसस। जब बाड़ा टूटा अय्यूब का, तब अटैक हुआ। मैं चाहता हूं कि आप बाड़े में छिपे रहें, बाड़े में कवर्ड रहें। यीशु का लहू, ओ ज्यादा लहू ज्यादा सामर्थ, ज्यादा लहू ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा लहू ज्यादा आराम, ज्यादा लहू ज्यादा वृद्धि, ज्यादा लहू 0% पतन। कोई पतन, कोई पराजय आपके निकट नहीं आ सकती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अगले प्रसारण में मैं आपको दो और बातें बताऊंगा। आइए प्रार्थना करें। आपने मेरे संदेश को सुना और आपको एक सूचना मैं देना चाहता हूं कि छुटकारे का पर्व इस समय हम मना रहे हैं। पूरे अक्टूबर और नवंबर में हम आपके छुटकारे के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। इसलिए आप स्क्रीन पर एक लिफाफा देख रहे हैं, इसे पाने के लिए, छुटकारे के पर्व का संदेश पाने के लिए, आप जो हैं अपना नाम, पता और पिन कोड हमें लिख करके अवश्य भेजें। और जब आप इसमें अपना प्रार्थना निवेदन देते हैं तो अपने बहुमूल्य बीजों को टेलीविज़न प्रोग्राम के लिए अवश्य भेजें। आइए प्रार्थना करें। मेरे हृदय में आपके लिए बहुत बोझ है और इस समय पवित्र आत्मा आप पर अपने अभिषेक को उंडेल रहा है। जो कुछ शैतान ने आपका चुरा लिया है वो आप छुटकारे के पर्व के दौरान प्राप्त करेंगे और इस समय प्रभु की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। लॉर्ड आई प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, असफलता की आत्मा, डर की आत्मा, तनाव की आत्मा, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर प्रकार की बीमारियां, महारोग, ओ तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। नूतन परमेश्वर की सामर्थ तुझे इस समय बिहार में छू रही है। नूतन, तू अपने जीवन में इतनी निराश हो चुकी है, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने हाथों को तुझ पर रख करके तुझे बाहर निकाल रहा है। बाहर आ जा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद छोटू, तुझे कुछ और नामों से भी पुकारा जाता है। तो इस समय एक टी शर्ट पहन करके, रेड लाइन की टी शर्ट को मैं देख रहा हूँ अपने दर्शन में, तुझे परमेश्वर छू रहा है। तू मैकेनिक बनना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में इस आशीष को मैं तेरे लिए रिलीज करता हूँ। और गरीबी के श्राप को छोटू तेरे जीवन से मैं डांटता हूँ, कैंसिल करता हूँ। सारे दर्शकों को प्रभु तू आशीष दे, अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण कर।